दोस्तों, आपने भारतीय नौसेना में कई जंगी जहाज जैसे INS चक्र, विक्रांत और INS विराट जैसे नामों को जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन जहाजों के नाम कैसे रखे जाते हैं? इन जहाजों के नामकरण के पीछे की कहानी क्या है? तो दोस्तों, आज हम आपको इस रोचक जानकारी के बारे में बताएंगे कि आखिर जहाजों के नाम किस तरह से रखे जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका में बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के नाम ज्यादातर अमेरिकी राज्यों के नाम पर रखे जाते हैं? ठीक उसी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस की नेवी भी करती है, वो भी अपने राज्यों के नाम पर अपने जहाजों के नाम रखते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जहाजों और सबमरीनों के नाम रखने के लिए बाकायदा एक संस्था है जिसका नाम है आंतरिक नामकरण कमेटी, यानी कि INC। और ये संस्था रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। नौसेना का जो असिस्टेंट चीफ होता है उसे इस कमेटी का प्रमुख बनाया जाता है। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्रालय के इतिहास सेक्शन के प्रतिनिधियों समेत सतही परिवहन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास और पुरातत्व विभाग के सदस्य भी होते हैं। किसी भी जहाज का नामकरण करने से पहले ये सभी लोग नाम को लेकर विचार करते हैं। नीतिगत निर्देशों के बाद जिन नामों की सिफारिश की जाती है उसे फिर नौसेना प्रमुख के पास ले जाया जाता है। नाम पसंद आने के बाद नौसेना प्रमुख उसे मंजूर करते हैं। साथ ही जंगी जहाजों के मोटो और क्रेस्ट के लिए राष्ट्रपति तक की सहमति ली जाती है। तो वहीं जहाज और सबमरीनों के नाम तय करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि एक श्रेणी या एक टाइप के पोतों के नाम एक ही थीम पर हों। उदाहरण के तौर पर क्रूजर या फिर डिस्ट्रॉयर के नाम राज्यों की राजधानी, बड़े शहर या देश के इतिहास के महान योद्धाओं के नाम पर रखा जाता है, जैसे INS दिल्ली, INS चेन्नई, INS कोलकाता, INS मैसूर, INS राणा और INS रंजीत के नाम भी कुछ इसी थीम पर रखे गए हैं। नौसेना की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध पोतों के नाम पहाड़ों, नदियों या हथियारों के नाम पर रखने की परंपरा है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसी श्रेणी के शिप के नामों का पहला अक्षर समान रहे। उदाहरण के तौर पर INS तलवार के साथ INS तेग और इसी तरह से INS ब्रह्मपुत्र के साथ नदी के थीम पर INS गंगा भी इसी श्रेणी पर रखा गया है। इसके अलावा लड़ाकू जलियानों के नाम निजी हथियारों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे INS खुकरी, INS कृपाण या फिर INS खंजर इसी श्रेणी के नाम है। इसी तरह से मल्टीपर्पज पेट्रोलिंग में काम आने वाले जहाजों के नाम द्वीपों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे INS काला पानी, INS कार निकोबार या INS करूबा। लेकिन बात अगर पनडुब्बी के नाम की करें तो क्योंकि पनडुब्बियां पानी के अंदर अपना काम करती हैं, इसलिए इनके लिए समुद्र में रहने वाली बड़ी मछलियों के नाम चुने जाते हैं, जैसे INS शल्की और INS शंकुल। ये नौसेना की सबमरीनों के पारंपरिक नाम है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से सोच समझकर नौसेना अपनी जंगी जहाज और सबमरीन के नाम रखती है। आपका हमारी इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।